प्रदेश में पंचायत चुनाव बीते काफी वक्त हो चुका है और चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी शपथ लेकर पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर चुनावी रंजिश अब भी बरकरार है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जनपद बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव गुहावर में, जहां चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में दोनों पक्षों में एक महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पक्ष के अनुसार दूसरे पक्ष के लोग चाकू छुरी लेकर उनके घर आ थमके और उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया, और दूसरे पक्ष के लोग खुद अपना सर फोड़कर उन पर क्रॉस केस बनवाना चाहते हैं। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मोहम्मद अरशद, कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला हुआ जो आपस में झगड़ा हुआ? वो छुरी लेके आ गया था हमारे घर के पास में, छुरी मार दी मेरे, ये वाला हाथ भी कटा, बड़े भाई के भी लगी हुई पैर में, इलेक्शनों की रंजिश थी जी। वो उसका प्रधान जो था वो हार गया था, तो इस वजह से जो है ना हमने जिसको प्रधान को वोट दिए थे वो जीत गया था। इस वजह से ये लोग बदमाशी दिखाते हैं, कभी बंदूक लेके आ जाए, पहले भी बहुत सारे केस हैं इनके साथ, कभी छुपके छुरी लेके आ गया था, मेरे हाथ में लग गई, बड़े भाई के पैर में लग गई है और गाड़ी दे रहा अपने सर फोड़ के, वो खुद अब मेडिकल कराने गए हैं क्रॉस केस बनवाने की वजह से। तो आप लोगों ने तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर दे दी है हमने, पुलिस हम पे दबाव बना रही है और देखते हैं इसमें क्या होता है, पुलिस हमारा साथ देती है नहीं देती है। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट।